मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन फ्लाइट में। मेरी वाइफ की ख्वाहिश थी कि उनकी बर्थडे माउंटेन्स के दरमियान की जाए। इस वक्त हम लोग 27,500 फुट की बुलंदी पर प्रवास करें, वही जमीनी रफ्तार तकरीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे इस रफ्तार में इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन फ़्लाइट में। जी हाँ, आप हैरान हो जाएंगे कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं शायद कहीं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ। नहीं, मैं कहीं बाहर के मुल्क नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान के अंदर ही एक शहर में जा रहा हूँ, मगर कहाँ पर जा रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा। मगर ये मैं आपको बता दूँ कि इस फ़्लाइट को दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन फ़्लाइट कहा जाता है और आइए आपको मैं अपने साथ वो फ़्लाइट दिखाता हूँ और सारे मंज़र आप इंशाल्लाह देखेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ब्लेस्ड है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा शहर लगता है कि जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। जी तो इस वक्त हम जा रहे हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर और ये न्यू एयरपोर्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। बाहर देख सकते हैं कि डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना है और अब हम स्ट्रेट जाएँगे। ये सामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और यहाँ से पहाड़ियाँ और ये सब हिलाली परचम पाकिस्तान का कितना प्यारा लग रहा है। ये सामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर के मनाजिर हैं और ये आप देख सकते हैं बिज़नेस क्लास लॉन्च सेपरेट है। अभी हम बचे हैं जी बहुत बड़े मिसहैप से, हमें मेल आती है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तरफ से वो रिमाइंडर मेल होती है और उसमें लिखा क्या होता है कि आपकी फ़्लाइट है और मैं सोचता हूँ कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता है मेरी फ़्लाइट है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मगर नीचे लिखा क्या होता है कि आपकी फ़्लाइट है बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और मैं एक सेकेंड के लिए मुझे समझ नहीं आता कि हुआ क्या, इतना बड़ा ब्लंडर मैंने कैसे कर दिया। मैं अपनी वाइफ की तरफ देखता हूँ, मेरी वाइफ मुझे देखती हैं और हम दोनों सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, मगर उसके बाद किस्मत हमारा साथ देती है और हम फिर जाते हैं काउंटर की तरफ और वहाँ पर पूछते हैं तो वो हमें कंफर्म करते हैं कि आपकी फ़्लाइट यहीं से है, ये आपको मेल गलती से आ गई। मगर वो फ़्लाइट जा किस शहर रही है ये भी आपको नहीं बताना, आप मेरे साथ चलिए और ख़ुद ही देख लीजिए। थकन 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 और इंतहा की थकन, क्योंकि पहले हमने सफ़र किया है लाहौर से इस्लामाबाद के लिए और अब इस्लामाबाद से आगे की फ़्लाइट। ये है जी लंबी लाइन आगे बोर्डिंग करवाने के लिए। ये रहे हमारे बोर्डिंग पासेस और ये अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ और ये बाहर आपको डिफरेंट जहाज़ नज़र आ रहे हैं और हमारा जहाज़ है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और ये बाहर से आप व्यू देखें। जब आप थक जाएं तो ये सीट्स जो कि वाकई में बहुत कंफर्टेबल हैं आपकी सारी थकन दूर कर देती हैं। हमारा त्यारा तैयार है फ्लाई करने के लिए एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ये शटल सर्विस है PIA की जो कि हमें PIA त्यारे तक लेकर जाएगी। जी तो अब हम हो गए हैं प्लेन में ऑन बोर्ड।
जी तो अब हमारा त्यारा रवाना हो रहा है और ये अब हम फ्लाई करने लगे हैं। अब आप विटनेस करने लगे हैं खूबसूरत तरीन फ्लाइट को। तो हम स्कर्दू पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त हम स्कर्दू लैंड कर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खूबसूरत नजारा। मेरी वाइफ की ख्वाहिश थी कि उनकी बर्थडे माउंटेन्स के दरमियान की जाए, तो ये आप देख सकते हैं माउंटेन्स के दरमियान बिल्कुल। और ये मैंने उनको सरप्राइज देने के लिए
अब आ रही है वाइफ को बुलाने की और उनको दिखाने की कि किस तरह से उनकी बर्थडे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक प्लान की गई है। फातिमा आ जाओ। Beyond expectations.